नमस्कार साथियों, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आज का मेरा जो डिस्कशन है वह झारखंड पेपर है। पेपर दो आप जानते हैं जेपीएससी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट पेपर है। हमारा टारगेट होगा फ्रेंड 11th जेपीएससी तथा 12th जेपीएससी और 13th जेपीएससी। आप जानते हैं कि तीनों को कंबाइन करके एक साथ जेपीएससी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन आज से 8 माह पूर्व लगभग 1 साल होने ही वाला होगा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि 11वीं से 16वीं जेपीएससी की चर्चा हो रही है, कुछ एक ऐसा ही आपको पेपर में कुछ दिन पहले दिखाई दिया होगा। लेकिन 11वीं से 13वीं जेपीएससी की अब ये सरकार इस पे कार्य कर रही है। देखिए बहुत ही जल्द वैकेंसी आपके सामने होंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत को कंटिन्यूसली लगातार करते रहें, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आइए हम बात करें जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर दो, और पेपर दो कितना इम्पॉर्टेंट पेपर है। आप जानते हैं कि 100 सवाल पूछे जाएंगे पेपर दो से, और पेपर दो में 100 क्वेश्चन केवल झारखंड से ही होगा फ्रेंड, और 10 क्वेश्चन झारखंड से होगा पेपर वन में, है ना। तो टोटल 110 सवाल हमें केवल झारखंड से दिखाई देता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर दोज पीपल हु आर टारगेटिंग अपकमिंग 11th जेपीएससी, 12th जेपीएससी, 13th जेपीएससी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वह है झारखंड में जो अलग राज्य के लिए जो आंदोलन हुए उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट पे बात करेंगे, है ना। आइए क्या है फैक्ट उस पर हम एक नज़र डालते हैं। जब हम झारखंड में छोटा नागपुर जनजातीय की बात करेंगे, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड जो शब्द है उसका पहली बार मध्यकाल में, इसका पहली बार प्रयोग मध्यकाल में हुआ है, है ना। इसका प्रथम जो प्रयोग है 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस काल में यह एक स्पष्ट एवं पृथक भूखंड के रूप में संगठित करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसको आपको याद रखना है, इस पॉइंट को। आगे की बात करें कि ब्रिटिश शासन काल में अगर हम चर्चा करें तो झारखंड शुरुआती दौर में बंगाल के हिस्से में था, और बाद में यह बिहार प्रांत का एक अंग बन गया, ठीक है। और जब अलग झारखंड की मांग ब्रिटिश काल से ही हो रही थी, तो उस वक्त में हमारा जो झारखंड था वह कहीं ना कहीं बंगाल के हिस्से में था। जब बंगाल से बिहार सेपरेट हुआ तो फिर हमारा जो झारखंड है वो बिहार के हिस्से में चला गया, है ना। झारखंड में अंग्रेजों और उनकी शोषणकारी तथा शत्रुवत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलता रहा। यानी यहाँ झारखंड में झारखंड के जो आंदोलनकारी रहे वह अंग्रेजों के खिलाफ कंटिन्यूसली लगातार आंदोलन चलाते रहे, है ना। इन लोगों की जो एक नीति थी, कहीं ना कहीं वो जो नीति था अंग्रेज अपने हित के लिए ही उन लोगों ने पॉलिसी का निर्माण करा जो झारखंडियों के हित में नहीं थी। तो इस नीतियों के अगेंस्ट में झारखंड के जो आंदोलनकारी रहे कंटिन्यूसली लगातार आंदोलनरत रहे, और झारखंड को अंततः कहीं ना कहीं एक सेपरेशन का, एक स्टेट के दर्जा प्राप्त हुई, तब जब इस देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और बिहार में भेजे गए प्रस्ताव, और उसके बाद में धीरे 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 उस पर सहमति बनी। इसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। आगे की बात करें कि झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण था वो ढाका में किया गया था। इसका आंदोलन का जो कहीं ना कहीं जो बीज बोया गया था वो ढाका में। ढाका में कैसे, तो ढाका विद्यार्थी एक काउंसिल थी, परिषद थी, उसका एक जो ब्रांच था वो रांची में था, जो चल करके ये बदल गया किस चीज़ में, छोटा नागपुर उन्नति समाज, और बाद में फिर ये झारखंड पार्टी के रूप में डेवलप हुआ। और इस झारखंड पार्टी आप जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा की ये पार्टी थी, इन्होंने ही इसे बनाई। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा छाप था।
जब जयपाल सिंह मुंडा 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक जीत करके आए तो उसके बाद इन्होंने राजनीति में दिलचस्पी दिखाई और इसे बिहार के सरकार में 1963 में 1963 में विनोदानंद झा की सरकार में इसे नगर विकास मंत्री बनाया गया, है ना। आइए आगे हम बात करें। चाईबासा के निवासी, और वो निवासी का नाम था जे बार्थोलमैन। ये वही जे बार्थोलमैन है जो ढाका विद्यार्थी परिषद के संचालक रहे, है ना। ढाका विद्यार्थी परिषद की जो शाखा है उसका ये संचालक थे। उसे इन्हें ही यानी जे बार्थोलमैन को ही झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। चाईबासा के निवासी थे जे बार्थोलमैन और ये जो ढाका विद्यार्थी परिषद थी उसकी शाखा का ये एक मेन संचालक थे और इसे ही झारखंड आंदोलन का एक जनक माना जाता है। जे बार्थोलमैन दरअसल 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक इन्होंने स्थापना की और इस संगठन का जो एक उद्देश्य था वो गरीब ईसाइयों को हेल्प करना, मदद करना, है ना। इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या था? गरीब ईसाई जो स्टूडेंट है उनको मदद करना और बाद में इसे केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित न रखकर झारखंड के सभी आदिवासियों और सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए एक साधन बनाया गया। तो इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करें। साल 1915 में झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी एक संगठन बना और उसका नाम हुआ छोटा नागपुर उन्नति समाज। और ये छोटा नागपुर जो उन्नति समाज की स्थापना हुई उसके बाद में आदिवासियों के जो सामाजिक और आर्थिक जो उनका जो हित था, उनके आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मेन ऑब्जेक्टिव था। मेन मोटो इस समाज का था कि जो आदिवासी हैं उनकी आर्थिक सामाजिक उनके हित की रक्षा हो। इसमें से जो मुख्य कुछ प्रमुख नेता थे ज्वेल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उराव, ठेबले उराव इस समाज के कुछ प्रमुख लीडर रहे, जो ग्रेट महान नेता थे इसमें। अब आगे हम बात करें। पृथक राज्य के लिए एक सुनियोजित संघर्ष हुआ 1928 में और 1928 में जो साइमन कमीशन है वो झारखंड क्षेत्र प्राप्त का एक ज्ञापन के आधार पे झारखंड को अलग राज्य बनाने की इन्होंने घोषणा कर डाली, अनुशंसा की, है ना। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई अपना विचार नहीं किया। ऐसी बात तो आई साइमन कमीशन में, लेकिन ब्रिटिश के जो शासक थे इस पे किसी भी प्रकार के लोगों ने कोई विचार नहीं करी। झारखंड के संघर्षशील नेताओं ने साल 1938 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में अगुवाई में आदिवासी महासभा का एक गठन करके अपना संघर्ष योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत कर दिया। इस बात को भी आप याद रखेंगे। 1939 में 1939 ईस्वी में थियोडोर सुरीन के बाद जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बने। इस पॉइंट को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और 1946 ईस्वी में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को केवल 3 सीट ही मिला था और जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव हार गए थे। जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से चुनाव हार गए। साल 1947 में जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो झारखंड के जो इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षी भी साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो झारखंड क्षेत्र के नेताओं की महत्वाकांक्षी भी मुखरित हुई और बाद में उन्हें केंद्र राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिला, परंतु इन लोगों को केंद्र और राज्य से कोई भी मदद नहीं मिला था। साल 1950 में आदिवासी के नेता जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा का नाम को बदल दिए और नाम बदल करके करते हैं झारखंड पार्टी। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदल दिया गया और इसे कर दिया गया झारखंड पार्टी। और ये पार्टी
आंदोलन में काफ़ी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा था, है ना। झारखंड पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके जो दरवाजे अलग झारखंड राज्य के समर्थक और गैर आदिवासियों के लिए खोल दिए गए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आप जानते हैं, जब जयपाल सिंह मुंडा को बिहार के विनोदानंद झा की सरकार में कांग्रेस में झारखंड पार्टी को 1963 में जब विलय किया गया और इनको नगर विकास मंत्री का पद दिया गया, तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो मांग थी वो थोड़ा शिथिल हुई। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा के दिलों और दिमाग में ये चीज़ें थी कि हमें झारखंड अलग लेके ही रहना है, है ना। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम आपके फैक्ट के अनुसार चल रहे हैं, एज पर आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जो भी कुछ फैक्ट है आपके सामने हम रख रहे हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे आप सर्कुलेट करें, ताकि उनको भी इसका एक समुचित लाभ मिल पाए। झारखंड पार्टी ने नवगठित क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में झारखंड क्षेत्र में राजनीतिक सामाजिक चेतना प्रज्वलित करने के साथ साथ जनमत संगठित करने के में अपनी महत्वपूर्ण एक शक्ति लगा दी थी। जनमत संग्रह, यहाँ पे एक शब्द है जनमत संगठित या जनमत संग्रह। हम देखें, सभी जनों का मत यानी सभी को मिलाने का प्रयास किया गया, अपनी पूरा यहाँ पे शक्ति इन्होंने लगा दी थी। साल 1952 में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने 33 विधानसभा क्षेत्रों पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। बहुत बड़ा नंबर ऑफ संख्या में यहाँ पे जीत करके आए और विपक्षी दल का जो रुतवा यहाँ पे प्राप्त हुआ, और इनका जो एक चुनाव चिन्ह था इनका मुर्गा था, जैसे कि अभी हमने कहा, एक विपक्षी दल के रूप में सामने उभर करके आए, चूँकि 33 विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने अपना विजय हासिल की थी। साल 1957 से 62 के बीच विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें झारखंड पार्टी को 32 एवं 20 सीटें मिली थी, 32 और 20 सीटें यहाँ पे प्राप्त हुई, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड पार्टी 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जयपाल सिंह के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर एक प्रभावशाली उग्र प्रदर्शन किया गया। अब यहाँ आयोग ने इस क्षेत्र के दौरे पर आया, किंतु उसने अलग राज्य की अनुशंसा नहीं की। आयोग तो आया जरूर, लेकिन इन्होंने अलग राज्य की कोई भी अनुशंसा नहीं की। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने अलग राज्य जो प्रारूप पेश किया था, उसने तत्कालीन बिहार के 7, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिले को मिलाकर के कुल 16 जिलों के साथ झारखंड पार्टी की मांग की गई थी। ये सवाल कभी कभी पूछता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। मुझे लगता है ऐसा सवाल जीपीसी में शायद आया था। नेक्स्ट, 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में सीताराम जगत राम ने अलग झारखंड गठन हेतु भारत सरकार से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए और इस प्रस्ताव पर काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन 24 मार्च 1961 को सदन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। लेकिन साल 1963 में, अभी जैसे हमने कहा था जयपाल सिंह मुंडा के संदर्भ में, कि साल 1963 में झारखंड पार्टी को जब विलय कर दिया गया, तो वही पॉइंट यहाँ पे है। 1963 में झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया, जिसे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का गहरा यहाँ पे एक झटका महसूस हुआ। और यह विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त के विनोदानंद झा की पहल पर हुआ। विनोदानंद झा उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पहल पर हुआ। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया।
जैसा कि अभी हमने कहा था। साल 1965 में बिरसा सेवा दल की स्थापना की गई और इस दल ने आदिवासियों को मांग जो थी वो एक नया मोड़ पे ला खड़ा कर दिया। ये भी बात आप याद रखेंगे और आदिवासियों की मांग को एक नया कहीं ना कहीं एक आंदोलन को एक खड़ा कर दिया और ये धीरे धीरे चलता चला और हमारा झारखंड की जो मांग थी वो और आगे मजबूती से प्रखरता से आंदोलनकारियों के द्वारा रखा गया। साल 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साल 1968 में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साल 1970 में जयपाल सिंह का निधन हो गया, ये बात आपको याद रख लेना है। 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो एवं सोनोत संथाल समाज के शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। आज भी ये पार्टी JMM चल रही है और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा इस JMM पार्टी में पहले कि अगर हम बात करें तो एक विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। तो विनोद बिहारी महतो इस JMM को उस वक्त में अध्यक्ष बनाया गया था और शिबू सोरेन को इस JMM का महासचिव बनाया गया था। लेकिन आप जानते हैं जब इस JMM की दो फाड़ हुई तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी तो रही और इसी में से एक और पार्टी निकली, है ना, जिसे हम कहते हैं JMM मारडी। यह कहीं भी किसी बुक में उल्लेख नहीं की गई है लेकिन इसे आप याद रखेंगे। इस JMM की जब दो फाड़ हुई तो एक इस पार्टी से निकला JMM मारडी और एक पार्टी JMM आज जो चल रहा है ना। जैसा कि अभी हमने कहा विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया JMM पार्टी का और शिबू सोरेन इस पार्टी के महासचिव बनाए गए। इसके बाद क्षेत्रीय नेता इसमें सक्रिय होते गए और ये पार्टी फलता फूलता चलता गया और आज वर्तमान में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे JMM से हैं, है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 4 लक्ष्य तय किए। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, विस्थापितों के पुनर्वास और कल कारखानों में इन लोगों ने पूरा संघर्ष किया। स्थानीय लोगों की बहाली के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। वन कानून के विरोध में जंगल कटाई का आंदोलन इन लोगों ने सब शुभारंभ किए, है ना। साल 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्रनाथ चांपिया के नेतृत्व में बिहार विधानसभा मंडल के एक झारखंड क्षेत्र के 52 विधायकों ने झारखंड क्षेत्र का केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग से संबंधित एक संयुक्त प्रस्ताव पत्र देश के प्रधानमंत्री को दिया गया था, है ना। लेकिन साल 1986 में, वो जून का महीना था, दिसंबर में सूर्य सिंह बेसरा जो असम छात्र संगठन के आंसू के तर्ज पर इन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जिसे हम आजसू कहते हैं उसका इन्होंने गठन किया। और जब इन्होंने गठन किया तो सूर्य सिंह बेसरा ने आंदोलन के कार्यक्रम की इन्होंने घोषणा की और इन्होंने खून के बदले खून की रणनीति का इन्होंने प्रतिपादन किया। इस पॉइंट को भी आप पॉइंट आउट करेंगे। झारखंड आंदोलन में लगे विभिन्न दलों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रखेंगे। साल दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को ज्ञापन दिया गया जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिला करके झारखंड राज्य बनाने की मांग की गई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। साल 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार वनांचल प्रदेश की मांग की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1988 में झारखंड की जो मांग थी ये भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल प्रदेश की मांग करी और उसने सिर्फ बिहार के जिलों को अलग कर
अलग राज्य बनाने की इन्होंने डिमांड कर दी थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो साल 1989 में, वो अगस्त का महीना था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बीएस लाली के नेतृत्व में 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीएस लाली। सवाल बनते हैं, इस समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, 4 सरकारी पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे इस समिति में। इसमें याद रखेंगे, जो 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का जो गठन किया गया था, इस समिति में जो जुड़े हुए व्यक्ति थे वो हमने बता दी, ये तमाम व्यक्ति जुड़े हुए थे। अब अंततः 31 दिसंबर 1991 को आसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का उदय हो गया, यहाँ पे गठन हुआ। और अंत में 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन की राजकीय अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और इसी 1995 में इस परिषद को औपचारिक गठन कर दिया गया और शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिए गए। इस पॉइंट को भी आप पॉइंट आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आखिरी पॉइंट में आ रहे हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के अंतर्गत बिहार के 18 जिलों को सम्मिलित किया गया था, है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, चूंकि बहुत फास्ट हम कर रहे हैं कि ताकि आप इसे एक बार रिव्यू करें, ताकि आपकी सारी फैक्ट आपके दिमाग में आ जाए। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसूचित जनजाति समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया। और जैक का कभी विधिवत चुनाव नहीं हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 22 जुलाई 1997 को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन का एक संकल्प, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पारित कर दिया गया। लेकिन साल 1998 में, एक वर्ष के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में केंद्र में सत्ता में थे, तो उनके नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 1997 में बिहार विधानसभा में पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक यहाँ पे तैयार किया गया। और इसे स्वीकृति के लिए बिहार की राबड़ी देवी, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनके पास, उनके सरकार को भेजा गया ताकि स्वीकृति मिल जाए और झारखंड अलग राज्य की जो सपना है वो साकार हो जाए। इस विधेयक में बिहार के 18 जिलों को मिलाकर अलग वनांचल राज्य बनाने की बात कही गई थी। 21 सितंबर 1998 को बिहार के विधानसभा में उस विधेयक को 107 के मुकाबले 181 वोटों से इसको नामंजूर कर दिया, ये पास नहीं हुआ, फेल हो गया। श्रीमती राबड़ी देवी के अल्पमत सरकार ने इन्होंने वादा किया कि आप मेरे को सपोर्ट करो, हमें आप सपोर्ट करें, मैं झारखंड की जो अलग परिकल्पना है, आपकी जो सपना है, मैं आप लोगों को झारखंड अलग राज्य दूंगा। लेकिन इनके पतिदेव ने, इनके हस्बैंड ने, श्री लालू प्रसाद यादव ने, इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि झारखंड मेरे लाश पे बनेगी। इसका सामान्य अर्थ है, लाश पे कहने का मतलब है कि झारखंड उनके जीवित होते नहीं बनेगा। लेकिन आज देखिए, लालू प्रसाद जी जीवित हैं और वो आज स्वयं झारखंड को खुद देख पा रहे हैं, अलग होता हुआ वो तो स्वयं उन्होंने देखा है ना। एनीवे, श्रीमती राबड़ी देवी ने, अल्पमत सरकार ने कांग्रेस के दबाव में 25 अप्रैल 2000 को राज्य झारखंड के गठन हेतु इन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति इन्होंने प्रदान कर दी और इन्होंने कहा कि आप मेरे को सपोर्ट करो,
है ना। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा, 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पास हो गया। इस पॉइंट को भी आप पॉइंट आउट करेंगे। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति इस पे फाइनली झारखंड का जो एक अलग राज्य की सपना थी उस पे मुहर लग जाता है, है ना। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति विधेयक पे अपना साइन करते हैं, स्वीकृति इन्होंने अपना प्रदान कर दी और झारखंड राज्य का जो गठन का जो एक मांग थी वो प्रशस्त हो गया। और 15 नवंबर को देश का 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हो गया, है ना। ये आपका पूरा आंदोलन से संबंधित संक्षेप में हमने आपके सामने बातें रखी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वंस अगेन आप इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो लेकर के आता रहूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।